एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। गाइस, आप सोचे मैं लिफ्ट में तैयार होकर क्या करूँ? गाइस, आज है मेरा एग्जाम और मैं अपना एग्जाम देने के लिए जा रही हूँ। रेडी हो गई हूँ, लिफ्ट के अंदर हूँ, जूते पहन लिए मैंने येलो कलर के, दूर से फोकस मारता है। तो गाइस जल्दी चलते हैं और अपना एग्जाम देने के लिए जाते हैं हम फटाफट। ऑलरेडी मुझे देर हो चुकी है पहले। तो गाइस फिलहाल मैं ऑटो ढूंढ रही हूँ और मुझे कोई भी ऑटो नहीं मिल रहा। चलो भैया मेट्रो स्टेशन। हाँ ऑटो मिल गया है हमको। आज मैंने ले लिया है गाइस 5 स्टार। मेरा मन पता नहीं कैसा कैसा हो, अब 5 स्टार खाऊंगी। मेरा गला ना सही नहीं हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या क्या करूँ। चलते हैं गाइस फटाफट अभी। तो गाइस आ गए हैं मेट्रो स्टेशन पर। पहले तो मैं आपको सारा दिखाई चुकी हूँ, तो मैं अब आपको क्या ही बताऊँ। बस जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। 1 बज गया गाइस यहीं पर ही, और मुझे पहुँचना है जल्दी जल्दी। निकल गए हैं, लगाते ही निकल गए हम तो, वो बंद ही नहीं हुआ। चलो कोई नहीं, रखते हैं इसको पॉकेट में। मेट्रो को करते हैं वेट यहाँ पर। गाइस मेरा आते ही मेट्रो भी आ गई। इसी जगह पर वापसी। यहाँ से निकलते हुए किसका मन नहीं करेगा कुछ खाने का, हर किसी का करेगा। जान के बनवाया हुआ, देखो सब बैठे हुए हैं यहाँ पर। बहुत सही दिमाग लगाया है इन लोगों ने। यहाँ पर ये खोल देते हैं, लोग जाते हैं, मन करेगा खाएंगे, जैसे कि मेरा कर रहा है। मगर मैं खाऊंगी नहीं क्योंकि मुझे देर हो रही है। गाइस मैं आते हुए कुछ ना कुछ तो ज़रूर खाऊंगी क्योंकि भूख लगती है मुझे आते हुए। उस दिन भी मैं नहीं खा पाई थी क्योंकि मुझे लग रहा था देर हो रही है जल्दी चलो, मगर आज नहीं, आज तो खाएंगे हम। आज बड़ा नोट है मेरे पास, बड़ा वाला। ये क्या हो रहा है गाइस? यहाँ इनॉग्रेशन हो रही है। व्हाट अ टाइमिंग, व्हाट अ टाइमिंग। यहाँ इनॉग्रेशन चल रही है गाइस, किस चीज़ की? ये है यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, सिब्बी सावल अंबानी अमृतसर कुछ हो रहा है गाइस यहाँ पर। मगर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी से पूछूँ कि भाई साहब आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो भीड़ लगा कर। हो फटाफट फटाफट चलते रहो, चलते रहो जल्दी, चलते रहो। ये देखो गाइस कितने स्टेशन लगा रखे हैं लोगों ने खाने के। इंसान बस क्या खाने के लिए आया है मेट्रो में, जाना नहीं है उसको। वापस पिंक लाइन में है, देखो। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम यहाँ पर, काफी ज्यादा स्ट्रगल के बाद फिर से। अब हम फटाफट से जाएंगे अपना रूम ढूंढेंगे और फिर जल्दी से एग्जाम के लिए बैठते हैं। आ गई हूँ मैं यहाँ पर। तो गाइस फाइनली पेपर जो है हमारा ख़त्म हो चुका है और इस टाइम बज रहे हैं 5:30 और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बच्चे आ चुके हैं निकल कर बाहर की साइड एग्ज़ाम दे देकर, सबके एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं। चलते हैं गाइस, मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग रही है। मेरा भूख से ना पेट में पूरा पेपर। गाइस मैंने पता कितने शीट्स लिखी हैं? मैंने लिखी हैं कम से कम 18 शीट्स लिखी हैं। मैंने हिस्ट्री का पेपर था ऑब्वियसली, 18 शीट्स। मेरा हाथ ठंडा हो गया ये वाला तो।
चलते गए तो जल्दी जल्दी, ठंड हो रही है ना कि मेरे हाथ जो है ना बिल्कुल जम रहे हैं, वो एकदम ठंडे हो रहे हैं मेरे हाथ, तो हाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो गया। और ग्रीनरी भी तो देखो ना कितनी है, इस वजह से और ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। अभी फिलहाल जो है मैंने ये ले लिया अपने लिए, वहाँ पे कुछ मिलेगा तो खाऊंगे, यहाँ तो कुछ था नहीं और था अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सिर्फ ये ले लिया। अभी चलते हैं मेट्रो की तरफ, पहुँचते हैं घर जल्दी जल्दी। तो गाइस यहाँ पर लाइन लगी हुई है टोकन के लिए, यहाँ भी लाइन है, इसके बराबर में भी लाइन है, पूरी टोकन के लिए है, वहाँ लाइन है, वहाँ भी दो लाइन है, वो भी टोकन के लिए लगी हुई है। बहुत भीड़ है यहाँ पर क्योंकि सब बच्चों का भी एग्ज़ाम ओवर हुआ है, तो सब लोग घर जाएंगे अपने पूरा। मेरा 45 मिनट्स में नंबर आया है, इतनी भीड़ है यहाँ पर। अब मैं जा रही हूँ जल्दी से, उस लाइन में लगे लगे हालत ख़राब हो गई। मैं आपको पूरी कहानी घर जाके बताऊँगी क्या हुआ क्या क्या। अभी फ़िलहाल ट्रेन लेते हैं, आ भी गई है जल्दी से। पहले भी जगह ही नहीं थी, मुझे छोड़नी पड़ गई, मैं पैर रखने ही वाली थी, जगह ही नहीं थी मगर उसके अंदर चलो चलो छोड़ दी वाली, अगली लेंगे। उतने में पढ़ने आ गई बोर्ड, यही वाली है कि नहीं है, हमें यहाँ पर। मुझे जाना है यहाँ, कहीं मुझे लग रहा है मैं गलत उस पर हूँ, हाँ क्योंकि यहाँ से दिल्ली कट जाएगी, मुझे जाना है यहाँ, मुझे दूसरे वाले पे जाना है, उसके उधर वाले पे। ओहो हो, तो गाइस वहाँ से उतर कर आ गए हैं और अब हम चल रहे हैं येलो लाइन के ऊपर। हुआ मेरे साथ कुछ ऐसा था कि मैं गलत ट्रेन में चढ़ गई थी और उतर गई अलग गलत वाले स्टेशन पर, फिर मैं वहाँ से वापस आई, बस अब मन कर रहा है घर पहुँच जाओ, बस मेरी हालत ख़राब हो गई। मेट्रो भीड़ देखो गाइस, किस कदर भीड़ है, बहुत भीड़ है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ और मैंने फाइस को बुला लिया है, मैंने कहा तुम आओ मुझे लेने के लिए, तो वो बाहर खड़ा हुआ है। मैं भी जा रही हूँ जल्दी जल्दी, मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है, मेरा मन कर रहा है बस उसे देख कर जाऊँ और जाकर सो जाऊँ, खाऊँ पीऊँ, रेस्ट करूँ। आज का पेपर इतना भारी हो गया मेरे लिए, इतना रश है, इतना रश है, पता नहीं कहाँ से इतने लोग आ रहे हैं। यहाँ देखो यहाँ भी तो कोई नहीं है ना, बाकी के स्टेशन भरे पड़े हैं बुरी तरह से। अभी फटाफट जाते हैं ऐसे बाहर, क्या गया बाहर का रास्ता। आज मेरे पास टोकन थी ना, मेरे पास टोकन थी वो थी 30 रुपीज़ की, मगर यहाँ का स्टेशन वहाँ से है 40 रुपीज़ का, मगर वहाँ पे मशीन ने नोट एक्सेप्ट किया था, तो वहाँ के वर्कर्स तो उन्होंने मेरे से बोला था 30 का ले लो, 10 यहाँ कर देते ना, तो मैंने भी ऐसे ही किया, बिल्कुल टाइम दे दिए निकलने का बिना पैसे के, ये भी हमें भर नहीं देंगे जाहिर सी बात है, हमने भी पैसे दे दिए 10 रुपये थे। वो हो गए, अरे तो मशीन नोट एक्सेप्ट नहीं कर रही, ये अजीब बात है, अजीब अजीब फरमाइश है मशीन की। फाइज आ चुका है गाइस, देखते हैं कहाँ है वो, बुलाया तो उसको मैंने, ये रहा। सबसे पहले पूछूंगा इतनी देर कहाँ लगा दी, सबसे पहला सवाल होगा इसका। हेलो ब्रो, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो गाइस अभी फिलहाल मुझे भूख लग रही थी, तो अभी हम कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, फाइज ने बोला है बर्गर खाएंगे, भूख लग रही है मेरी तो, हालत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा, बस मिल जाए कुछ ना कुछ खाने को, छोड़ूंगी नहीं आज, आज नहीं छोड़ूंगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया,
तो गाइस आ गए हमारे बर्गर, जल्दी से खाते हैं। चलो गाइस शुरुआत करो आप। तो गाइस खाते हैं। गाइस देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ ये। गाइस बहुत सॉफ्ट है इसका, ये देखो कितना सॉफ्ट है। गाइस चलिए खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। आपको ये नज़र आ रहा है पंखा? गाइस ये पंखा नहीं है, ये लाइट है। मुझे लगा था ये फैन है, मगर गाइस ये लाइट निकली। ये देखो सेम फैन लग रही है। गलत बात है भाई। भाई साहब हमने ले लिए हैं मोमोज, ये निकल ले मोमोज। कहीं सुबह से भूख लग रही है ना, ना मैंने सुबह से कुछ खाया, ना इन्होंने सुबह से कुछ खाया। हम दोनों सुबह से भूखे हैं, तो इसलिए गाइस थोड़े से मोमोज भी हो जाते हैं। मैंने खाया। क्या खाया? मैंने ब्रेड पकौड़ा खाया था दोपहर। दोपहर में इन्होंने ब्रेड पकौड़ा खाया था। इन्हें शर्म नहीं आ रही और अब भी खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, रुके नहीं रहे। दोपहर में खाया तो अभी टाइम क्या हो रहा है? जोहर के बाद। अच्छा 2 बजे करीब खाया हुआ उन्होंने, तकरीबन। कोई नहीं, इतना खाना तो फिर बनता ही है। सब्जी काफ़ी पतली थी उसमें, सब्जी काफ़ी पतली थी और उसके आलू कच्चे थे। आलू कच्चे थे, आलू कच्चे थे। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? तो आपको तो पेट खराब हो गया होगा फिर। नहीं हमने आलू खाए। आलू पतली थी, ओ आलू पतली कह रही हूँ। सब्जी पतली थी और आलू कच्चे। काफी अफसोस हुआ आपका बात सुन के, वो भी अफसोस मनाने आए। तो गाइस आ गए हैं मोमोस चुके हैं और अब आ गई है हमारी कोल्ड कॉफी। आजा भाई आजा। आज क्या देख रहे हो ऐसे बुरी तरीके से? आपकी आंखें क्यों चार हुई? कोल्ड कॉफी मैंने ली है, मिर्चे लग रही हैं। गाइस इसमें ना सबसे बुरी आदत है, पहले मना करता है कि नहीं मुझे नहीं पीनी, और जब मैं ले लेती हूँ तो मेरे में से पीनी है इसको। क्या वो दिल में क्यों दर्द हो रहा है, दिल में क्यों दर्द हो रहा है? तो गाइस आ गई हूँ मैं घर, और घर में आकर आ गई हूँ मैं किचन में। तो गाइस मम्मा बहुत थक गई थी, क्योंकि जब से मैं गई हूँ सारा काम वही कर रही हूँ। हर चीज़ उन्होंने करके रख दी है, सब चीज़ें तैयार है। शामी का भी उन्होंने बना दिया, बस मैंने उन्हें तवे पे सेकना है। बाकी मम्मी ने तहरी वगैरह बनाई, सब चीज़ रेडी है। बस अब गाइस मैं एक तब जल्दी से रोटी बना रही हूँ और एक तब कबाब जो है फ्राई करूँगी। खाना देते हैं गाइस पापा मम्मी को, और फिर गाइस बस आज का व्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है गाइस। आज मेरी वाकई बहुत हालत ख़राब हो गई है। कोई नहीं गाइस, होप आपको अच्छा लगा मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स से शेयर करना मत भूलिएगा। तो करते हैं आज का व्लॉग यहीं पर एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।